बच्चों, कल आप लोगों को छठवें ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाणा का पवन दूतिका से छठवें पद की व्याख्या को पढ़ाया गया, जिसमें कि राधा श्री कृष्ण के वियोग में, श्री कृष्ण के वियोग से वियोगित वह राधा पवन दूतिका के माध्यम से अपनी सारी दुख व्यथा को श्री कृष्ण तक पहुंचाना चाहती है और रास्ते में कोई दुखी, क्लांत, क्लांत माने दुखी, यदि कोई दुखी मिलता है उस हे पवन दूतिका उसके साथ तुमको कैसा बर्ताव करना है, इस अगली व्याख्या में, छठवीं व्याख्या में आप लोगों को बताया गया। अब आगे देखिए राधा किस प्रकार से पवन दूतिका को अगले सातवें पद की व्याख्या में बताती है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, लज्जावान महिला, लज्जा से युक्त पथिक महिला, पथिक माने होता है पथिक माने राही, यदि कोई राही महिला लज्जा से युक्त, हे पवन दूतिका यदि तुमको कहीं रास्ते में लज्जाशील महिला यदि नजर में, दृष्टि माने नजर, नजर में आती है तो होने देना विकृत, होने देना विकृत वसना, तो ना तू सुंदरी को होने देना विकृत वसना, तो ना तू सुंदरी को तुम उसको वस्त्रों से विकृत कभी भी ना होने देना, तो होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हो गोदले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, उसको अपनी हवा चल रही है उसकी हवा तेजी में है, हवा धीरे कर देना, उसको वासनाओं से कभी भी विकृत ना होने देना, और क्या उस सुंदरी को, उस राही महिला को विकृत वस्त्रों से कभी भी विकृत ना होने देना, यानी जो थोड़ी भी श्रमित हो, यदि वह थोड़ा भी श्रम करने वाली महिला है, यदि थोड़ा भी मेहनत करने वाली महिला है, गोद ले शांत खोना, अपने गोदों में हे पवन दूतिका, हे पवन अपने गोदों में ले करके उसके 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 शांति खोना, जो थोड़ी भी श्रमित हो, जो थोड़ी भी श्रमित हो वह गोद ले शांति खोना, यानी जो भी उसकी पीड़ा है, जो भी उसका दर्द है, उसके पीड़ाओं को शांत कर देना, इस प्रकार से होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कमल होठों की और कमल मुख की, कमल रूपी उसके मुख और होठों की, जैसे उसका होठ किसी प्रकार से सूख रहा है, कमल मुख की म्लानताएं मिटाना और उसके चेहरे की म्लानताएं जो है, दुख जो है, मलिन मुख जो है, उसके मलिन मुख को क्या कर देना, तुम अपनी ठंडी ठंडी हवाओं को धीरे धीरे से देना, जिससे उसकी होठों की जो मुख की म्लानताएं हैं और धीरे धीरे समाप्त हो जाए। इस प्रकार से इस पद में राधिका ने पवन दूतिका को बताया। आगे पद में बच्चों देखिए, अब पद नंबर 8 में आप लोग देखेंगे, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित
भूतांगना को, भूतांगना माने, भूतांगना माने होता है गर्मी, भूतांगना माने बच्चों गर्मी। यदि कोई महिला गर्मी से पीड़ित है तो उसके गर्मी को तुम ठंडी ठंडी हवाओं को दे करके उसके गर्म, उसकी गर्मी को शांत कर देना। तो देखिए कोई क्लांता, क्लांता कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, खेत में कोई किसान या कोई किसान या छोटा लड़का यदि काम करते हुए, श्रम करते हुए तुमको हे पौन दूतिका, यदि तुमको काम करते हुए खेतों में कोई दिखाई देता है तो धीरे धीरे परस उसकी, तुम परस यानी हे पौन दूतिका, परस का यहाँ तात्पर्य होता है कि तुम धीरे धीरे उस गर्मी को शांत करके ठंडी हवाओं के माध्यम से उसके थकावट को क्या करना, उसके क्लांतियों को मिटाना, उसके दुख को, उसके थकान को क्या करना, धीरे धीरे वहाँ पहुँचना, ठंडी हवाओं गर्मियों को ठंडी में बदल करके उसके दुखों को, उसके गर्मियों को या उसके थकान को क्या कर देना, धीरे धीरे ठंडक में बदल करके थकान को मिटा देना। चाहता कोई जलद यदि हो व्योम में, व्योम माने होता है बच्चों आकाश, व्योम माने आकाश, जल माने होता है बादल, जल देने वाला बादल। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, बच्चों देखिए विकट की धूप है, किसान खेत में, छोटे बड़े बच्चे खेत में श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, कड़ी की कड़ाके की धूप है, तो राधा पौन दूतिका से कह रही है कि यदि आकाश में कोई बादल जाता हुआ तुमको दिखाई दे तो उसे तुम अपनी हवाओं को, लोग कहा करते हैं कि पुरवैया के हवा चलत है तो उधर बादल जाता है, अब पक्षियों का हवा चलत है तो बादल उधर जाता है, तो उसी आदमी तो लोग कहते हैं कि पुरवाई हवा चले भैया, पुरवाई हवा चल रही है, अब पानी झमाझम बरसेगा। तो वही बात राधा कह रही है पवन दूतिका से कि तुम हे पवन दूतिका, तुम अपनी हवाओं के झोंकों से, धीरे धीरे झोंकों से तुम उस बादल को, आकाश में छाया हुआ एक बादल जो है उसको सूर्य की तरफ ले जाना, किधर, सूर्य की तरफ ले जाना, सूर्य को ढक लेना। जब तुम सूर्य को ढक लोगी तो अपने आप इधर खेतों में क्या हो जाएगी, उन क्लांतियों किसानों के ऊपर छाया पड़ जाएगी, छाया हो जाएगी। तो देखिए कहा गया है कि गर्मियों के महीने में छाया भी छांव को चाहती है, ये गर्मियों के आदमी व्याकुल होता है तो एक छांव जो होता है, छांव भी छांव को चाहती है गर्मी के मौसम में। तो देखिए तो छाया द्वारा सुखित करना तृप्त भूतांगना को, वो गर्मी से पीड़ित लोगों को तुम भली भांति से अपनी छाया दे करके और उनको हे राधे पवन दूतिका तुम उनको सुख प्रदान करना। यही इस पद, इस व्याख्या में हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने यही कहा है। आगे देखिए अगला पद, अब नौवां पद है बच्चों, नौवें पद को देखिए। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुक हो, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लग के मर से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अब इस पद में, अब बच्चों अब अगला पद आप लोगों को कल, अब अगला पद आप लोगों को कल पढ़ाया जाएगा।
पद नंबर 9 आप लोगों को कल हम पढ़ाएंगे। पद नंबर 9 कल आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक।